मुख्यमंत्री नौकरी का बात कर रहे हैं, 31 लाख युवाओं को नौकरी। राहुल गांधी जी को 70 साल तो मौका मिला ना जी, देश के लोगों ने 70 साल तक खगड़िया लोकसभा भी सर जो है लोजपा के पास रहे हैं सीट, तो क्या लगता है कि फिर ये उन्हीं के सीट खाते में जाएंगे सर? देखो ये रीजन बिल्कुल स्पष्ट है, महागठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के लिए अभी तक बताने के लिए। हम लोगों के पास चेहरा भी है, नीयत भी है। नमस्कार, मैं अभी देख रहा हूँ कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के जो है NDA के उम्मीदवार जो है राजेश वर्मा जी है, उनसे बात करेंगे। कितना टक्कर रहेंगे सर? टक्कर किस बात की? आप चुनाव लड़ रहे हैं उधर से CPIM से है, कितना टक्कर रहेंगे? युवाओं का साथ मिलेंगे आपको? अरे टक्कर वहाँ होती है जहाँ मुद्दे हों जी, मुद्दे यहाँ एक तरफा है, दूसरी तरफ कोई मुद्दा ही नहीं है, तो टक्कर किस बात की फिर? उधर नौकरी का बात हो रहा है, राहुल गांधी नौकरी का बात कर रहे हैं, 31 लाख युवाओं को नौकरी। राहुल गांधी जी को 70 साल तो मौका मिला ना जी, देश के लोगों ने 70 साल तक खगड़िया लोकसभा भी सर जो है लोजपा के पास रहे हैं सीट, तो क्या लगता है कि फिर ये उन्हीं के सीट खाते में जाएंगे सर? देखिए 100% यहाँ पर देश के नेतृत्व को चुनने का विषय है, देश के विषयों को और मुद्दों पर बात करने की बात है। यहाँ पर कोई बिहार का विधानसभा चुनाव नहीं हो रहा है, ना बिहार के मुखिया को चुनने का चुनाव हो रहा है। तो लोगों के विजन बिल्कुल स्पष्ट है, महागठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के लिए अभी तक बताने के लिए। हम लोगों के पास चेहरा भी है, नीयत भी है, नीति भी है, इसलिए हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं। क्या उम्मीद है खगड़िया से सब लोगों का साथ मिलेगा आपको सर? देखिए मार्जिन तय कीजिए अब कितना हो सकता है, जीत तो हम लोग रहे हैं। चलिए ठीक है सर। देखिए हम जो है खगड़िया लोकसभा जो है राजेश वर्मा जी से हम लोगों ने बात किया, और देख सकते हैं जिनकी गाड़ी है, और इस गाड़ी में जो है चुनावी सभा में जो है ये लोग सफ़र कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। हम लोग उनसे बात भी करने का प्रयास किया, और जो कहा गया कि जो है हम तमाम युवाओं और बुजुर्गों के हम लोगों का जो है एक साथ मिल रहा है, उनका ये गाड़ी का जो काफिला आप लोग देख रहे हैं कि दिखाइए गाड़ी का जो काफिला है, उन लोगों से जब हम बातचीत करने का प्रयास किया तो उसने कहा कि हमको जो है फुल बहुमत से हम जो है ये भाजपा की सरकार हम लोग बना रहे हैं। अब देखने वाली बात होगा क्या भाजपा सरकार बना सकते हैं या नहीं। अभी मैं महदीपुर में था और उनसे बातचीत करने का जब प्रयास किया तो वो फुल बहुमत से सरकार बनाने की बात कही है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।